सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोऽस्तुते।
महाशक्ति धरे कुमारी नारायणी नमस्तु शंख चक्र गृहीतरमायुदेष्णवी रूपे नारायणी नमस्तु गृहीतोग्र महाचक्र दशाधवसंधरे वराहरूपिणीशिवे नारायणी नमस्तु नृसिंहरूपेण अग्रेण हन्तोद्यत्याकृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राण सहिते नारायणी नमस्तु किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनाज्वले वृक्रप्राणहरे चन्द्रे नारायणी नमस्तु श्रीमधूते स्वरूपेण हतदत्या महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमस्तु दशाकरालवदने शिरोमालाभिभूषणे चामुण्डे मन्दमदने नारायणी नमस्तु लक्ष्मीलज्जे महारिञ्जे श्रद्धे पुष्टे सदे ध्रुवे महारात्रे महाविद्धे नारायणी नमस्तु मेधे सरस्वती हरे भूतिभावितामसे नियते सम्प्रतिदेशे नारायणी नमस्तु सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ते समन्विते द्वर्वस्राहिनो देवे दुर्गे देवे नमस्तु एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातुनः सर्वभेदेव्यः कात्यायनी नमस्तु ज्वालाकलालमत्यगमशेषासुरशोधनं त्रिशूलं पातुनो भेदे भद्रकाली नमस्तु हिमस्ते धत्ते याधि स्वनेनापूरयायगत् स्वाखण्डा पातुनो देवी पापेभ्यो नः सुधानिव वसुरासिगमसापङ्गजिघस्यैकराज्वलः शुभारखरगौभवतो चन्द्रिकेतामदाभयम् रोगानशेषानपहासितस्ता रुष्टा तु कामान् सकलानवेशान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति धर्मान्दिशां देवि महासुराणां रूपेण बहुधात्मदेम् कृत्वाम्बिकेदात्र करादिगान्यां विद्यासुसहस्रेषु विवेकदीपे शोधेषु वाक्येषु चकादधन्यां मम त्वकर्ते महान्धकारे बिभ्रामयते ददति हरिश्वं रक्षान्ति यत्र गविशार्जनागा यत्र नयोदशबलानि यत्र भावानलयत्र तसाधिमध्ये हस्त्रादं परिपासिलेशं विश्वेश्वरेदं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकाधालयदेतु विश्वं विश्वेशवन्द्या भवते भवन्ते विश्वाश्रये त्वय्भक्तिनम्रः देवे प्रसीद परिपालयनारभेदे नित्यं यथा सुरभदा धनुनैव सद्यः पापानि सर्वयर्कां प्रथमं नयाद उत्पादपाकयनिदाश्च महापसर्गान् प्रकृतानां प्रसीदत्वं देवे विश्वाधिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामेदे लोकानां वरदा भव दिभ्यो भाज वरदाहं सर्गणा वरं जन्मनसे जल त्वमुद्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवाोचः सर्वाभाधा प्रशमनं देवाग्रस्याघ्रेश्वरी एवमेव दयाकायमस्मर्भरिविनाशनम् देभ्यो भाच
देवस्वतन्त्रे प्राते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भानि शुम्भशैलान्या उत्पदभेदे महाग्रहम् नन्दगोपगृहे यादा यशोधा गर्भसंभवा ततस्वनाशयिष्यामि पिञ्जाजलनिवासिनी पुनरप्यधिरत्रेण रूपेण मृदधीतले भवस्वीयानिष्यामि व्यप्रजन्ता सुधानवान् भक्षयन्ताशतानग्रां व्यप्रजन्तान् महासुरान् रक्षादन्ता भविष्यन्ति दानिमेकसमापमा पुरामान्देवतः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः सुमन्ताया हरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिका भूयक्षराजिका मनावृष्ट्या मनमदे मुनिभिः संस्कृता भूमौ सम्भविष्यानि योनिजा तदौषधेन नेतारामहे शिष्यामि यन्मने कीर्तयिष्यन्ति मनयः शताटेमिमान्तदः तदाहमखिलं लोकमात्मदेह समर्भवे भविष्यामि सुराशाकृतानिष्टहेतानधारकैः शाकम्भरेति विज्ञानं तदा यस्यामहं भवे तत्रैव जवदिष्यामि दुर्गमाज्ञा महासुरम् दुर्गादेवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाह कृतादीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षादेवक्षरिष्यामि मुनिरान्तानकारणात् तथा मामयः सर्वे शोचन् ध्यानं रमोदयः भीमादेवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति जलारुणाक्षत्रयोगे महाभागं करिष्यति तदाहं रामरं लोपं कृत्वा शङ्खेयफलम् त्रैलोक्यसहिताय वदिष्यामि महासुरम् भ्रामरेदेशमालोका सदा शोचन्ति सर्वतः इत्थं विराय रावादानभक्ता भविष्यति तदा तदाहं करिष्याम्ये संशया सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन। आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ विभूति की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिवगुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो भी भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ का ध्यान करते हैं माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपके मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें। जय आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपके अवधि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी है। सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है।
धन लाभ होते ही उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती ही, वह आरोग्यता को प्राप्त होती ही, दीर्घायु को प्राप्त होते ही, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती ही, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इसमें जगजन्य मां जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते ही। आप सभी अपना ध्यान माया के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति कीजिए। मां भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ॐ मृगपते स्कन्ध रक्षां कदा भूतेभ्यो जन्मनाङ्के ददां मम
Amen.
श्री भगवती स्तोत्र जय भगवती देवी नमामर
अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर निशमया भासो यम देवामत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जन भोजां देव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि भन्त्रहीनं व्याहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यत्प्रोजितं मया देवि परिपूर्णं ददस्तु मे अपराधशलं गत्वा भगदं वेति चरे याङ्गदिं समवापनोति भदां ब्रह्मादयः पापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके हृदानीमनगम्योऽहं यथेन्द्रे तथा कुरु अक्षाधिकृतेर्भाज्यधिगामृतां तत्सर्वं प्रसिद्ध परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्द विग्रहे गृहान चाभिमां वेत्य प्रसिद्ध परमेश्वरि भूयाति भयगाते भवतु मे देवि श्रद्धा मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोल सच्चे धारे की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। साधक जन, इस माँ जगजन ने जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ भगवती आदि शक्ति महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए माँ भगवती के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते हैं। अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए माँ भगवती का श्रवण करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो,
कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जाने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सर्वदा हम पर अपनी दयादृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। सच्चे दरबार की जय। महर्षि व्यास जी श्रीमद देवी भागवत में ये कथा आती है कि राजा जन्मे जी को वह उपदेश दे रहे थे कि राजन, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वृद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, अपना जीवन काल जो है सुखी चाहते हैं, तो आपको जो है माँ भगवती की शरणागत होकर के माँ को प्रसन्न करना चाहिए, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, माँ प्रसन्न हो जाए इस प्रकार से ऐसा प्रजनन करें, तो माँ के शरणागत होकर के माँ भगवती की उपासना कीजिए, माँ की आराधना कीजिए, ऐसा करने से राजन तुम्हारा सब ओर से कल्याण है। जब व्यास जी जो है राय जन्मे जी को बतला रहे हैं, तो राय जन्मे जी कहते हैं कि महाराज मुझे ये बतलाइए, आप हमारे पूर्वज हैं, आप त्रिकालज्ञ सब जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज जो थे कौरव थे पांडव थे, वह सब जानते थे ये संसार झूठा है, फिर भी परस्पर जो है वह आपस में लड़ मरे, तो ये सब क्या था? जब भगवान कृष्ण वामर थे तो महर्षि व्यास जी कहते हैं कि राजन, ये त्रिगुणात्मिका महा भगवती महाकाली माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, ये सब उसी की माया है, उसकी कृपा हो जाए तो सर्वत्र जो है आनंद आनंद होते है, जब उसकी कृपा नहीं होती तो मनुष्य यह समझ नहीं पाता मुझे करना क्या है क्या नहीं करना है, मेरे लिए उचित क्या है अनुचित क्या है, ये सब तभी संभव होते हैं जब देवी माँ भगवती की जो है कृपा होती है, उसकी कृपा के बिना जो है कुछ भी संभव नहीं है। भगवान वहां पर विराज कृष्ण जो थे विराजमान थे, पांडव जो है सब जानते थे देवताओं के ही अंश थे, वह साक्षात देवी थे, इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर जो है तो ऐसे जो है वह सब जानते हुए भी जो है फिर भी उस माया में फंस गए, इसलिए उस भगवती के शरणक धोकर के आप माँ भगवती की आराधना कीजिए। तो व्यास जी जो है ये बतलाते हुए राय जन्मे जी कहते कि राजन, दान व्रत यज्ञ और तपस्या ये सभी जो है ये पुण्यमय कर्म है, इससे क्या होता है पुण्य की वृद्धि होती है, पापों का नाश होता है पुण्य की वृद्धि होती है, तीर्थ तप और दान जो है, फिर द्रव्य शुद्धि जो धन जो है वह उसकी शुद्धि होनी चाहिए, क्रिया शुद्धि और मन शुद्धि, कहते हैं कि इस शुद्धि के ऊपर जो है निर्भर है ये सब, इस शुद्धि के क्रिया शुद्धि मन शुद्धि और धन शुद्धि जो है ये तीनों प्रकार की शुद्धि जो होनी चाहिए, इसी पर से निर्भर है, जब यज्ञ करते हैं दान करते हैं तो इस प्रकार से ये समुचित फल जो है ये नहीं प्राप्त होता जब तक जो है ये क्रिया शुद्धि जो है यह धन शुद्धि और ये मन शुद्धि ये तीनों ना हो, तो कहते हैं कि कदाचित जो है ये क्रिया शुद्धि भी हो सकती है और इस प्रकार धन शुद्धि भी हो सकती है, परंतु मन शुद्ध जो है ये बड़ा कठिन होता है, क्योंकि मन जो है ये बड़ा ही चंचल है, बड़ा ही चंचल है, मन की शुद्धि जो है ये बड़ी कठिन है, क्योंकि ये चंचल मन जो है अनेक विषयों में जो है ये चक्कर लगाया करता है, आप बैठे जहाँ पर हुए हैं बैठे हुए हैं और मन कहीं का कहीं पहुंच गया होता है, ध्यान में बैठते हैं तो मन कहीं चला गया होता है, जब करते हैं तो मन कहीं और चला जाता है, तीर्थ पर जाते हैं यात्रा करें तो मन कहीं और भाग रहा है, तो इसलिए इसका एक जगह रुकना जो है बड़ा कठिन होता है राजन, जो मन जो है भांति भांति के जो है दुर्भावों में जो है जी भटका हुआ है वह शुद्ध कैसे हो सकता है, जहाँ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है ये सभी जो है तप तीर्थ और व्रत के जो है ये विघ्न डालने वाले जी हैं, ये काम है क्रोध है लोभ है अहंकार है ये सभी जो है ये इन कार्यों में जो है ये जो शुभ कार्य करते हैं पुण्य कर्म करते हैं तप करते हैं यज्ञ करते हैं ये सब जन्म में कई प्रकार के विघ्न जो है उपस्थित कर देते हैं, जितने सत्कर्म करते हैं कहीं ना कहीं ये विघ्न उत्पन्न कर देते हैं,
व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार से ये विघ्न जो है इन विघ्नों को दूर कैसे करना है। बड़े बड़े तपस्वी जो है रह जाते हैं, कहते हैं कि वह दृष्टांत देते हुए कह रहे हैं व्यास जी कि एक बार जो है जिस समय पांडव यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ हो रहा था तो उस समय जो है वहां सत्संग हो रहा था, बड़े बड़े संत महात्मा वहां पर आए थे, जहां तक कि कहते हैं कि देवर्षि नारद जी वहां विराजमान थे, भगवान श्री कृष्ण जहां पर विराजमान थे, और वहां पर जब सत्संग जब चल रहा था तो संत ने कहा कि इस प्रकार के जो विघ्न आते हैं सत्कार्यों में, जो ही विघ्न आते हैं, तीर्थ करने जाते हैं विघ्न आते हैं, गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं विघ्न आते हैं, कोई शुभ कर्म करते हैं उसमें विघ्न आ जाते हैं, तो इसलिए जी कारण यही होते हैं। तो जो मैं आपको बतला रहा हूँ इस प्रकार से व्यास जी कहते हैं कि वहां पर यही चर्चा हुई, संतों ने कहा इस प्रकार विघ्न आते हैं, बाहर बैठे भीमसेन कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं गंगा स्नान करने जाऊं, वहां पर कोई गंगा स्नान करे तो उसे विघ्न कैसे कौन रोक सकता है, कोई विघ्न नहीं आता है, ये सब झूठ है। तब भगवान ने कहा देखिए जिस सब जो है उस माया के ही चक्र हैं, इसलिए विघ्न आते। वह संत महात्मा जो जंगलों में रहते थे, वनों में रहते थे, कंद मूल फल खाते थे, उन्हें कोई किसी को स्वार्थ नहीं था कि हम ऐसा लिखेंगे तो जो है हमारा जो है ज्यादा कीर्ति यशमान होगा, ऐसी बात नहीं थी, उनका कोई स्वार्थ था ही नहीं। और ऐसे जो निस्वार्थी जो है, ऐसे संत महात्मा ऋषि मुनि जो है, जो जिन्होंने जो लिखा हुआ है उन्होंने गलत नहीं लिखा है, उन्होंने अपना अनुभव लिखा है, क्योंकि बड़े बड़े तपस्वी जो है, बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि महात्मा संत महात्मा जो वन में रहते हैं उनके जीवन में विघ्न आते हैं, तपस्या में विघ्न आ जाते हैं। तो फिर सामान्य मनुष्य का कहना क्या है, तब जो है भीमसेन कहते कि मैं देखता हूँ विघ्न कैसे आता है, मैं गंगा जाता हूँ और वहां देखता हूँ कौन विघ्न डालने आता है, जो विघ्न डालने आएगा मैं उसको मार दूंगा। इस प्रकार गदा हाथ में लिए और गंगा तट के किनारे जा पहुंचे, वहां पर खड़े हो गए गदा लेकर के, विघ्न आएगा तो उसको मारूंगा, सर्वत्र देख रहे हैं भक्त आ रहे हैं, हर हर गंगे बोल रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं, माँ वहां पर स्नान कर रहे हैं, इस प्रकार से जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, परंतु जो है भीमसेन गदा लेकर के प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक वहां पर खड़े रहे विघ्न को मारने के लिए। सायंकाल हुआ कोई विघ्न आया नहीं, वापस लौटे, कहने लगे महाराज ये सब झूठ है, ये सब मिथ्या है, मैं इसे नहीं मानता, प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक मैं देखता रहा, अनेक लोग वहां पर आए, वहां स्नान किया, हर गंगे बोल रहे थे, परंतु वहां पर कोई विघ्न आया ही नहीं, मैं विघ्न को देखता रहा, विघ्न आएगा तो मैं मारूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, ऋषि मुनि के कथन झूठे नहीं होते हैं, मुझे ये बतलाइए आप गंगा तट पर गए, वहां जाकर के माँ गंगा को प्रणाम किया, तो उसने कहा कि नहीं, कितने समय रहे, प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक वहां खड़ा रहा, आपने वहां प्रणाम किया, फिर मुझे ये बतलाओ क्या सायंकाल को वापस लौटे तो वहां पर स्नान किया, तो नहीं किया, तो उसने कहा तो यही तो विघ्न है, तो सब प्रातः काल से लेकर के ऐसे अहंकार में वहां खड़ा हुआ है, और जो फिर कहते हैं कि विघ्न जो है, और तुझे ना स्नान कर सका, ना माँ का ध्यान कर सका, ना स्मरण कर सका, ना उसकी पूजा कर सका, ना वहां स्नान कर सका, ना जप कर सका, कुछ भी नहीं कर पाया, कोई सत्कर्म कर ही नहीं पाया वहां पर, वहां गंगा किनारे खड़े होकर के भी। इसलिए जब तक उसकी कृपा नहीं होती है तब तक जो है कुछ भी संभव नहीं होता। बोला सच्चे द्रवा। इस प्रकार व्यास जी उपदेश देते हुए यही राय जन्मे जी को समझा रहे हैं कि आपको जो है माँ भगवती को प्रसन्न जो करना चाहिए, ऐसा व्यवहार बना लेना चाहिए कि अपने द्वारा प्राणियों को जो है कभी कोई हिंसा न हो, कहीं ऐसा बुरा कर्म न हो, ऐसा स्वभाव बना लें और जो है अपने द्वारा प्राणियों की हिंसा ना हो, और मुख से जो है सत्य वचन निकले, कभी कोई झूठा वचन ना निकले, कभी झूठ ना बोले, सत्य बोले, ये कुछ ऐसे निजम है, जब व्यक्ति निजों पर चलता है धीरे धीरे जो है फिर ही जो है उस चंचल मन पर जो है काबू पा सकता है। तो सत्य बोलने, कभी झूठ ना बोलने, किसी भी तरह कहीं स्वार्थ को लेकर के जो है आप कहें जो मेरा स्वार्थ है, क्योंकि जब जो है अर्जुन ने जो प्रश्न किया था भगवान कृष्ण से, मनुष्य सब जानता हुआ पाप क्यों करता है, तो उन्होंने यही कहा कि जे मुझे मिल जाए, वह कैसे मिले उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। आप देखते हैं क्या भाई भाई के साथ जो झगड़ा करना शुरू कर देता है, जहाँ बड़े अनर्थकारी काम जो आप देख रहे हैं वह हो रहे हैं, तो इस प्रकार से जे मुझे मिल जाए और लेकर के जाना कहाँ है,
कभी इसके लिए सोचा नहीं, हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, हमें करना क्या है, हम कब तक यहाँ पर आए हैं और हमारा करनी जो कर्तव्य जो है वो क्या है, इसलिए क्योंकि जीवन जो क्षण भंगुर है, मानसो देह क्षण भंगुर है, मनुष्य देह जो क्षण भंगुर है, तथ्य जो है ये इतना दुर्लभ है, एक तो दुर्लभ है फिर क्षण भंगुर है, इसलिए जो है इसलिए कि जो जो विचार करें कि हम जहाँ पर सृष्टि पर आए हैं, जब मनुष्य देह जो एक साधन मिला है, इसी के द्वारा जो व्यक्ति साधना कर करके अपना कल्याण करता है, तो इसलिए इसका जितना सहयोग आप कर सकते हैं वह करना चाहिए, इसलिए राजन कभी चोरी ना हो, कभी जो है इस प्रकार से कोई मन में जो है कैसा बुरा विचार ना आए, मन पवित्र रहे और जो है इंद्रिय जो है अपने वश में रहे, राजन यदि अपने धर्म को जो है धर्म का पालन किया जाए, तो अंत में व्यास जी कहते हैं कि राजन यदि अपने धर्म का पालन किया जाए तो उससे जो है संपूर्ण तीर्थों का फल जो है वह प्राप्त हो जाता है, फिर विघ्न बाधा नहीं आती, जो धर्म का त्याग नहीं करते धर्म जो है उसकी हमेशा रक्षा करता है, उनकी विजय होती है, जहाँ पर धर्म होते हैं वहीं पर विजय है, जहाँ धर्म होते हैं वहीं सुख होते हैं, जहाँ धर्म होते हैं वहीं पर शांति होती है, जहाँ धर्म होता है वहीं पर अवध होता है, जहाँ धर्म होते हैं वहीं पर जो है आनंद होता है, अनंत आनंद होता है, भगवती ज्यादि शक्ति जो ही सच्चिदानंद स्वरूपणी सचित आनंद, जे सच्चिदानंद स्वरूपणी जय भगवती जो है इनकी जब कृपा हो जाती है फिर तो जीवन आनंद ही आनंद है, क्योंकि जय भगवती जो है जय धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ को देने वाली जय भगवती है, जो माँ के शरण धोकर के भगवती की आराधना करते हैं, जय भगवती उन्हें धार्मिक मति धार्मिक बुद्धि देती है, उनका मन फिर कभी विचलित नहीं होता, जिन पर इस माँ भगवती आदि शक्ति महाकाली माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महा सरस्वती की कृपा हो जाती है, क्योंकि ये त्रिगुणात्मा का जो है सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण प्रधान जो देवी तीनों देवी जो विद्यमान है जहाँ पर महाकाली महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, महाकाली जो है ये तमोगुण प्रधान है, महालक्ष्मी रजोगुण और महासरस्वती ये सत्वगुण जो है, तो इस प्रकार से ये तीनों गुण जो है कहते हैं तीनों गुण प्रत्येक जीव में विद्यमान होते हैं, किस गुण की कब वृद्धि हो जाए, तमोगुण जब वृद्धि होगी तो व्यक्ति क्रोधी हो जाएगा, मन पर काबू नहीं कर पाएगा, इसलिए अनर्थकारी कार्य करेगा, रजोगुण में जब आ जाते हैं तो उसे जो शक्ति प्राप्त होती है, धन शक्ति अन्य सब प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है, सब प्रकार सुख की प्राप्त होती है, परंतु अहंकार आ जाता है, और सत्वगुण की जब वृद्धि होती है ये तीनों गुण जो है फिर जो दोनों गुण जो तमोगुण भी और रजोगुण भी जिस शांत रहते हैं, और वही व्यक्ति जो है जिसमें सत्वगुण की वृद्धि होती है वही सब प्रकार के कार्य जो उनके सिद्ध होते हैं, इसलिए सब तभी संभव होते हैं जब तीनों माताओं की जब कृपा होती है, इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जो है आप देवी यज्ञ कीजिए, माँ को प्रसन्न कीजिए, सत्कर्म कीजिए और माँ की आराधना माँ के नाम का जप कीजिए, जे करने से ही राजन तुम्हारा कल्याण है, आप कहते हैं कि मेरे पूर्व जो है बड़े समझदार थे फिर भी वो उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, मैं आपको बतलाता हूँ, व्यास जी कह रहे हैं कि विशिष्ट ऋषि जो थे ये ब्रह्मा के पुत्र थे, विशिष्ट ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे, जिन्होंने समस्त वेद जो थे ज्ञात थे, जो चारों वेदों को जानते थे, शेष शास्त्र उनको सब विदित थे और इस प्रकार सब प्रकार को उन्होंने अध्ययन किया था, और ऐसे सभ्य प्रकार से उन्होंने अध्ययन के जो शास्त्रों का अध्ययन किया था, ऐसे तपस्वी, और फिर रहते कहाँ थे, गंगा तट के किनारे, गंगा तट के किनारे रहते थे, प्रतिदिन माँ गंगा का दर्शन करना, माँ का पूजन करना, स्नान करना, साधना करना, ऐसे तपस्वी विशिष्ट ऋषि जो है त्रिकाल के दर्शी जो है तीनों कालों की बातों को जानने वाले ऐसे तपस्वी, उनका जो है देश हुआ किसके साथ, विश्वामित्र के साथ, उनके साथ जहां तक ऐसी परिस्थिति आ गई दोनों का परस्पर जो है युद्ध होने लगा, ऐसे क्रोधित हुए कि दोनों ने एक दूसरे को शाप तक दे दिया, इसलिए जो है उसकी कृपा के बिना कोशिश में उसके सामने चाहे ज्ञानी है चाहे तपस्वी है किसी प्रकार कोई भी किसी भी शक्ति संपन्न है, जब तक माँ की कृपा न हो तब तक कुछ भी संभव नहीं, इसलिए राजन यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वधे चाहते हैं, अपने जीवन यात्रा सुख चाहते हैं, तो राजन माँ भगवती के शरण धोकर के माँ भगवती को प्रसन्न कीजिए, देवी यज्ञ कीजिए,
नवरात्र 9 दिन जो है माँ भगवती की साधना कीजिए, तो आया जन्मे जी ने जो है भगवती की आराधना की, यज्ञ किया। और जहां तक कि अपने जो पिता जो थे, इनके राजा परीक्षित जो थे, पिता जो थे वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए थे, तो माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उनको जो है सदगति प्राप्त हो गई थी। भगवती की आराधना करने से, माँ को प्रसन्न करने से, तो राज जन्मे जी ने भगवती को प्रसन्न किया, माँ की आराधना की। तो कल से जो है आप सभी जानते हैं बहुत शांतिगण भरात्र जो प्रारंभ हो रहे हैं। ये 9 दिन की साधना जो है माँ भक्ति विशेष साधना होती है। ये विशेष 9 दिन जो है ये शक्ति पूजन, शक्ति संवर्धन, शक्ति संचक दिन होते हैं, और इसमें माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए जो है भक्तजन जो है भगवती की विशेष आराधना पूजा करते हैं, अपने घरों की भली प्रकार साफ सफाई कर करके, क्योंकि जहाँ पर स्वच्छता होती है वहीं पर देवी देवताओं का निवास होता है, आते हैं आशीर्वाद देते हैं, इसलिए अपने घर में खूब जो स्पर्श करके जो है और भगवती का खूब श्रृंगार करें, माँ प्रसन्न हो, माँ आशीर्वाद दे। आप देख रहे हैं दरबार में किस प्रकार से माँ का दरबार सजाया गया है, जे भी माँ के इस जगजन जगत माता की जे ऐसे भक्त पर जो है ऐसी कृपा है माँ भगवती की, क्योंकि धन तो बहुत लोगों के पास है लेकिन ये शक्ति किसी को प्राप्त, ये कृपा किसी को प्राप्त होती है, क्योंकि संसार में धन की किसी के पास कभी नहीं। और हर नवरात्र आप देखते हैं किस प्रकार जो भक्त जो है माँ के दरबार में आकर के हृदय से जो है भगवती का जो श्रृंगार करते हैं, माँ प्रसन्न हो। और केवल मात्र ऐसा नहीं, इस प्रकार से माँ का श्रृंगार करके माँ से प्रार्थना की जाती है, भगवती आप प्रसन्न हो और पूरे विश्व का कल्याण करें, सब भक्तों को आप आनंद प्रदान करें, सब जो सुख को प्राप्त हो, ऐसी कामना लेकर के हर वर्ष जो है माँ का जो श्रृंगार करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और माँ भगवती जगजननी की जो है इसी प्रकार से अपने भक्त पर जो कृपा बनाए रखें और उनका परिवार जो फले फूले आगे बढ़े, और आप भक्त भी जो है प्रार्थना करें भगवती से ऐसे भक्तों के लिए, वह भगवती उनके दीर्घायु करें, उन्हें निरोगी जीवन प्राप्त हो, और माँ का महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, इन तीनों माताओं का सदा सर्वदा उन पर जो है भरहस बना रहे, माँ का आशीर्वाद बने रहे, और माँ का आशीर्वाद से इसी प्रकार से बहें धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हों, सुख समृद्धि को प्राप्त हों, और भगवती माँ वैष्णवी अपने चरणों की उन्हें अविचल भक्ति प्रदान करें, और उनके वंश में सदा सर्वदा माँ की भक्ति जो है ये बनी रहे, और वह परिवार वह वंश जो है फले फूले धर्म के मार्ग पर चलता हुआ अग्रसर हो, माँ वैष्णो देवी की सदा सर्वदा उन पर ये जो है विशेष कृपा जो है वह बनी रहे। बोलो सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार कल जो है नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, प्रातःकाल इस समय वैसे तो नवरात्र जो है प्रारंभ हो चुका है, इस समय हम नवरात्र में ही बैठे हुए हैं माँ के दरबार में जो है, क्योंकि मध्यान काल तक जो है 2:51 जो है तक जो है ये अमावस्या थी, उसके उपरांत जो है ये प्रतिपदा प्रारंभ हो गई थी। कल जो है यह नवरात्र प्रारंभ जो है प्रथम नवरात्र होगा, और उसमें जो है वैद्रति योग है, वैत्रधि योग और चित्रा नक्षत्र जो है ये वर्जित बतलाया गया है, इसलिए कल अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापन और जो शाखा रोपण जो है जे 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में, अर्थात जे 12:06 के बाद जो है मुहूर्त प्रारंभ होगा, और जो है 12:54 पर जो अभिजित मुहूर्त रहेगा, उसके बीच में जो है 12:01 के बीच में जो है आप कलश स्थापन और जो है शाखा रोपण जो करके भगवती की आप साधना करें, और जो 9 दिन की साधना इसमें आप भगवती के नवान मंत्र बीज मंत्र का जप करें, जो भगवती का मूल मंत्र है, और इस मंत्र के द्वारा जो आप भगवती की साधना करें, देवी भागवत का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, और इस प्रकार से माँ के अखंड ज्योत जगा करके कहा कि प्रातःकाल सायंकाल जो दोनों समय पूरा परिवार एकत्रित होकर के माँ की आरती करते हैं, माँ की ज्योत जगा करके और माँ से प्रार्थना करते हैं, इन नवरात्रों में जय भगवती जो है उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर करके उनकी समस्त मनोलक्षित कामना को पूर्ण करती हैं और सब वर्षण भक्तों का कल्याण करती हैं। तो आप सभी माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे, सब मिलकर बोलना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडाये विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विचे सच्चे द्रव्यारी की जय। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर रहा हूँ श्री मनिंदर से माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना सम्मिल करना ताली जाते हुए श्री मनिंदर जी जयकारा श्री जी का बोलो सच्चे दरबार की जय। मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें मैं सबको सुनाऊंगा तेरे दर की यादें मैं सबको सुनाऊंगा तेरे दर की यादें मैं भूल न पाऊंगा अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरण में अपने अपने हाजिर दीजिए। आज सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों की हाजिर स्वीकार करें आपकी झोलियाँ भरे आपकी मुरादें पूरी करें आपका जीवन खुशियों से भर देता रहे। मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें
आज हाँ हाँ मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें ओ मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें गुफा में बैठी तुम महारानी सबकी झोली भरती हो सबकी झोली भरती हो सबकी झोली भरती हो सब बच्चों के सिर पर मैया हाथ मेहर का धरती हो हाथ मेहर का धरती हो हाथ मेहर का धरती हो हाँ गुफा में बैठी तुम महारानी सबकी झोली भरती हो सबकी झोली भरती हो सबकी झोली भरती हो सब बच्चों के सिर पर मैया हाथ मेहर का धरती हो हाथ मेहर का धरती हो हाथ मेहर का धरती हो सबको बतलाऊंगा तेरे दर की यादें सबको बतलाऊंगा तेरे दर की यादें हाँ सबको बतलाऊंगा तेरे दर की यादें सबको बतलाऊंगा तेरे दर की यादें ओ मैं सबको सुनाऊंगा तेरे दर की यादें मैं सबको सुनाऊंगा तेरे दर की यादें ओ मैं सबको सुनाऊंगा तेरे दर की यादें मैं सबको सुनाऊंगा तेरे दर की यादें पाऊंगा तेरे दर की यादें मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें हाँ हाँ मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें अपने घर में पहुंच के मैया कंज के तेरी बिठाता हूँ कंज के तेरी बिठाता हूँ तेरी बिठाता हूँ वो हलवे चने का भोग लगा कर दर्शन तेरा पाता हूँ दर्शन तेरा पाता हूँ माँ दर्शन तेरा पाता हूँ माँ अपने घर में पहुँच के मैया दर्शन तेरा पाता हूँ दर्शन तेरा पाता हूँ माँ दर्शन तेरा पाता हूँ माँ हलवे चने का भोग लगा कर कंज के तेरी के तेरी बिठाता हूँ कंज के तेरी बिठाता हूँ मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें हाँ हाँ मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें ओ मैं सबको सुनाऊंगा तेरे दर की यादें सबको सुनाऊंगा तेरे दर की यादें मैं सबको सुनाऊंगा तेरे दर की यादें मैं सबको सुनाऊंगा तेरे दर की यादें मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें जयकारा शेरवाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय श्री विजय कुमार जयकारा शेरवाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय तेरा सुंदर मां दरबार बड़ा प्यारा लगता है तेरा सुंदर मां दरबार बड़ा प्यारा लगता है तेरा सुंदर मां दरबार वो बड़ा प्यारा लगता है तेरा सुंदर मां दरबार बड़ा
लगा है। फूलों से सजा तेरा द्वार वो बड़ा प्यारा लगता है। ऊंचे पर्वत गगन को चूमे खुशबू महके फिजाओं में, ऊंचे पर्वत गगन को चूमे खुशबू महके फिजाओं में, ऊंचे पर्वत गगन को चूमे खुशबू महके फिजाओं में, ऊंचे पर्वत गगन को चूमे खुशबू महके फिजाओं में, देख नजारे हर दिल झूमे ठंडी ठंडी हवाओं में, देख नजारे हर दिल झूमे ठंडी ठंडी हवाओं में, देख नजारे हर दिल झूमे ठंडी ठंडी हवाओं में, देख नजारे हर कोई झूमे ठंडी ठंडी हवाओं में, मिलता है दिल को करार हो बड़ा प्यारा लगता है।
शर्मा दरबार वो बड़ा प्यारा लगता है। बड़ा न्यारा लगता है फूलों से सजा तेरा द्वार बड़ा प्यारा लगता है। जागरण की रात है भक्तों जागरण की रात है भक्तों मिले नसीबों वालों को आके मात आके मात ज्वाला खोले किस्मत के तालों के मात जवाला खोले किस्मत के तालों को आके मात जवाला खोले किस्मत के तालों को। वो सच्चे मन से जो भी जाए माँ उस पर उपकार करे सच्चे मन से जो भी जाए माँ उस पर उपकार करे। मन की आँखों से वो प्राणी माँ की आँखों से वो प्राणी ज्योति का दीदार करे माँ की आँखों से वो प्राणी ज्योति का दीदार करे। कमी नहीं जीवन में आती 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 उन जाति के लालों को आके मात कहो आके मात कहो आके मात जवाला खोले बंद किस्मत के तालों को आके मात जवाला खोले बंद किस्मत के तालों को आके मात जवाला खोले बंद किस्मत के तालों को आके मात जवाला खोले बंद किस्मत के तालों को आके मात जवाला खोले बंद किस्मत के तालों को आके मात जवाला खोले बंद किस्मत के तालों को। जयकारा शेरों वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। एक लघु भजन प्रस्तुत करेंगे श्री सुरेश जी। जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। दर अमीए नी तेरा दर अमीए धारिया तो सोना तेरा दर अमीए दर अमीए नी तेरा दर अमीए सारे तो सोना तेरा दर अमीए दर अमीए तेरा दर अमीए स्वर्गा तो सोना तेरा दर अमीए दर अमीए तेरा दर अमीए स्वर्गा तो सोना तेरा दर अमीए। हर जग तो न्यारा सानू लगदा प्यारा हर जग तो न्यारा सानू लगदा प्यारा हर जग तो न्यारा सानू लगदा प्यारा हर जग तो न्यारा सानू लगदा प्यारा। तेरा उच्चिया पहाड़ा बिच दर अमीए दर अमीए नी तेरा दर अमीए नी तेरा दर अमीए नी तेरा दर अमीए सारिया तो सोना तेरा दर अमीए दर अमीए नी तेरा दर अमीए सारिया तो सोना तेरा दर अमीए दर अमीए नी तेरा दर अमीए सरगा तो सोना तेरा दर अमीए दर अमीए नी तेरा दर अमीए सरगा तो सोना तेरा दर अमीए। हर साल मैया असी दर तेरे आना है चरणा दे विच आके सिर नू चुकाना है चरणा दे विच आके सिर नू चुकाना है चरणा दे विच आके सिर नू चुकाना है। असी दर तेरे आईए खाली चोलियां पर आईए असी दर तेरे आईए खाली चोलियां पर आईए तेरे जाइए ना बिछोड़े बिच मर अमीए दर अमीए नी तेरा दर अमीए नी तेरा दर अमीए नी तेरा दर अमीए सारिया तो सोना तेरा दर अमीए दर अमीए नी तेरा दर अमीए सारिया तो सोना तेरा दर अमीए। भगत प्यारिया नू प्यार बड़ा करदी दुखिया नी माणिया ते दुखड़े भी हरदी दुखिया नी माणिया ते दुखड़े भी
ਚਾਲੋ ਮਾਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲੋ ਆਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਖ ਚਾਲੋ ਮਾਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲੋ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਗਏ ਤਾਰੇ ਅਮੀਏ ਦਰੇ ਅਮੀਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਦਰੇ ਅਮੀਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਦਰੇ ਅਮੀਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਦਰੇ ਅਮੀਏ ਸਰਗਾ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਦਰੇ ਅਮੀਏ ਦਰੇ ਅਮੀਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਦਰੇ ਅਮੀਏ ਸਰਗਾ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਦਰੇ ਅਮੀਏ ਨਿਮ ਤੇਰੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਮਹਾਰਾਣੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਮਹਾਰਾਣੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਮਹਾਰਾਣੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦੇ ਲਾਲ ਹੈ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂਦਾ ਚੰਦੇ ਲਾਲ ਹੈ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂਦਾ ਹਿੰਦੇ ਮੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਚੋਲੀਆਂ ਤੂੰ ਪਰ ਅਮੀਏ ਦਰੇ ਅਮੀਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਦਰੇ ਅਮੀਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਦਰੇ ਅਮੀਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਦਰੇ ਅਮੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਦਰੇ ਅਮੀਏ ਦਰੇ ਅਮੀਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਦਰੇ ਅਮੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਦਰੇ ਅਮੀਏ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੂੰ ਨਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੂੰ ਨਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੂੰ ਨਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇਰਾ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜਾ ਵਿੱਚ ਦਰੇ ਅਮੀਏ ਦਰੇ ਅਮੀਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਦਰੇ ਅਮੀਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਦਰੇ ਅਮੀਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਦਰੇ ਅਮੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਦਰੇ ਅਮੀਏ ਦਰੇ ਅਮੀਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਦਰੇ ਅਮੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਦਰੇ ਅਮੀਏ ਓ ਸਰਗਾ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਦਰੇ ਅਮੀਏ ਓ ਸਰਗਾ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਦਰੇ ਅਮੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਦਰੇ ਅਮੀਏ ਓ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਦਰੇ ਅਮੀਏ ਜੈ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਨਾਗਾਦੇਸ਼ਰ ਵਿਸ਼ਟਰਾਂ ਭਣ ਭਣ ਤੁਮ ਸਰ ਰਤਨਾ ਭਲੇ ਬਾਸਵ ਦੇਹ ਲਤਾਂ ਦਿਵਾ ਕਰਨਵਾ ਨੇਤਰ ਤ੍ਰਯ ਵਾਸਿਤਾ ਮਾਲਾ ਕੁੰਭ ਕਪਾਲਨ ਰਜ ਕਰ ਚੰਦ੍ਰਾਰਧ ਚੋੜਾ ਪਰ ਸਰਵਗੇਸ਼ਵਰ ਭੈਰ ਭਾਂਕਨ ਲਿਆ ਪਦਮਾ ਭਤਿਮ ਚਿੰਤ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕੋ ਪਾਸੇ ਆ ਭਗਤ ਜਨੋ ਕੇ ਸਾਇੰਕਾਲ ਕੀ ਆਰਤੀ ਮੇਂ ਮਾਂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਕਾ ਸੌਭਾਗਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਆਪ ਬੜੇ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੀ ਪੁਣਿਆ ਕਰਮੀ ਹੀ ਜਬ ਭਗਤੋਂ ਕੋ ਇਸ ਆਰਤੀ ਕੀ ਪਰਮਪਵਿੱਤਰ ਵੇਲਾ ਮੇਂ ਹੀ ਮਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੇ ਕਾ ਪੁਣਿਆ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਇਹ ਜਗਜਨ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਆਪ ਭਗਤੋਂ ਕੋ ਸੌਭਾਗਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਹੈ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਭਗਤ ਰਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਔਰ ਭਗਵਤੀ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਾ ਸੌਭਾਗਯ ਸਦਾ ਸਰਵਦਾ ਆਪ ਭਗਤੋਂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪਰਮਪਵਿੱਤਰ ਵੇਲਾ ਮੇਂ ਹੀ ਆਪ ਸਹੀ ਭਗਤੋਂ ਕੋ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਆਰਤੀ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਉਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋ ਵੀ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਬੁਰੀ ਬੁਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਵੇ ਸੰਤਤੇ ਭਾਣੇ ਭਵੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਸਸਵੀ ਭਵੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਭਾਣੇ ਭਵੇ ਭੂਰ ਭੂਤ ਕਰਨੇ ਦਾਣੇ ਕਨਿਸ਼ਟੋ ਭਵੇ ਤੇਜਸਵੀ ਭਵੇ ਬੈਰੀ ਗਰਭ ਦਲਣੇ ਵਿਆਪਾਰ ਦਕਸ਼ ਭਵੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਬਰ ਪਾਦ ਪੁਨਰਤ ਸਰਵੋਪਕਾਰੀ ਭਵੇ ਮੰਤ੍ਰਾਰਥ ਸਫਲਾ ਸੰਤੋ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਨੋਰਥ ਸ਼ਤਰੂਨਾਮ ਬੁੱਧਿਨਾ ਸੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦਿਆਸ ਸ਼ਰੀਰ ਵਰਚਸ ਆਯੁਸ਼ਮ ਆਰੋਗਯਮ ਆਵਿਦਾਤ ਸ਼ੁਭਮਾਨ ਮਹੀਯਤੇ ਧਨੰ ਧਾਨ੍ਯੰ ਪਸ਼ੂੰ ਬਹੁਪੁੱਤ੍ਰ ਲਾਭੰ ਸਸਮਸਰੰ ਦੀਰਘਮਾਯੁ ਅਸਤੁ ਦੀਰਘਮਾਯੁ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਆਪ ਭਕਤੋਂ ਕੀ ਦੀਰਘਾਯੁ ਕਰੇ ਆਪਕੋ ਸੁਖ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਧਨ ਧਨ ਸੇ ਸੰਬੰਧ ਕਰੇ ਸਭ ਔਰ ਸੇਵ ਕਾ ਮੰਗਲ ਕਰੇ ਆਪਕੀ ਯਾਤਰਾ ਕੋ ਸਾਰਥਕ ਕਰਵਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਤਭੀ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਆਰਤੀ ਹੋਗੀ ਆਪ ਸੇ ਭਕਤਜਨ ਭਕਤੀ ਭਾਵ ਸੇ ਮਾਂ ਕੀ ਆਰਤੀ ਕਰੇਂਗੇ ਸਮਲ ਕਰਵਲ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਜਾਤੇ ਹੋਏ ਓਮ ਜੈ ਓਮ ਜੈ ਗੌਰੀ ਮਈਆ ਜੈ ਸ਼ਾਮਾ ਗੌਰੀ ਮਈਆ ਜੈ ਮੈਯਾ ਜੈ ਆਨੰਦ ਕਰਨੀ ਤੁਮ ਕੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਧਾਵਤ ਮੈਯਾ
निको नित दिन जावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन नी ओम जय अम्बे गौरी कनक समान तांबर राजे मैया तांबर राजे रक्त पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी हर वाहन खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कोटि चंद्र दिवाकर सम्राजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंगन शुंगन धार महिषासुर घाते मैया महिषासुर घाती विलोचन नैना निश दिन मद माती ओम जय अम्बे गौरी चंदमंद संहार मैया शोनित विहजरे मधु कैटव दो मारे सुर भय हीन करे ओम जय अम्बे गौरी तुम कमला रानी आगमन गम बखानी आगमन गम बखानी तुम शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी सब लोग नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम हे जगत माता मैया तुम हे हो वरदान भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी मैया वर मंत्र धारी मन वाचित भल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया प्रेम सहित गावे तहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल गौरी मैया जय आनंद गौरी मैया जी को निश दिन धावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे
माता तेरी सदा ही जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करण वाले माता तेरी सदा ही जय। हरि की जय। जय प्रेम से बोलो जय माता दी, सम्मल बोलो जय माता दी, 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 सम्मल बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, 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 सच्चे प्रभु की जय। तो सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे। सब मिलकर के बोलना देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखं, देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दुशो जहि, यशो देहि दुशो जहि। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। कार्यक्रम देखे सुने और मानी मन माँ विभूति के नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ विभूति आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। Thank you.
चक्रगदेषु चापभयं सोऽयं शुण्डेक्षरा गङ्गं वन्दलशङ्करेशनं सर्वाङ्गभूषावृतां लीलाशङ्खविमासपादशकां देवे महाकालिकां यामस्तौ सविदे हरो कमलयो अन्तं वसुकेतवं अक्षात्रपर्यं गदेषु पुरुषम् पद्मं धनुष्कुण्डिकां घटं शक्तिमसञ्च चर्मजयं घण्टासुरावाजनं शूलं पाशुसुदर्शने च दर्ति हस्ते प्रसन्नाननां देवे देवमूर्तने महिमः लक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टां शूलहलानि शङ्खमुसुरे चक्रं धनुसायकं हस्तां विलसं सीता शतुल्या प्रभां गौरी देहसमुद्भवान् आधारभूता महापूर्वा मत्र सरस्वती मन्वरे शुम्भादिदेत्यात्मनि माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव शान्ताकारं भुजगद्रेणं पर्वनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगदशरानुगम्यं वन्दे विष्णु भगवर्णं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं विशुदामोदरं वासुदेवं सीधनं माधवं गोपिकावल्लवं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे मुरारे मधुकेतवारे गोविन्द गोपाल मातरं किशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्या प्रदेहि भगवन् नमोऽस्तुते हे मयि मेरी सच्चियायोता वाली माता तेरी सदाय पंचभूला वाली माता तेरी सदाय कोतवावला कन वाली माता तेरी सदाय लोंकड़ा वीर ठाकुर तेरी सदाय कुल सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो वरानियों में रानियों में रानियों में विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारत भरे महान हो भारत भरे महान हो भारत भरे महान हो बोलो हरे हरे हर मांगे बोलो बाबा शिव की सनातन धर्म की गो माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय अपनी पूरे गज की देखी इतना सुंदर नजारे में ऐसे सपनों में सुना होता है ना स्वर्गों में माता रानी ऐसे रहती है माँ का दरबार ऐसे स्वर्गों में जहाँ बैठने से एहसास कर जाता है कि सच में जब माँ के पास माँ बुलाएगी माँ के पास मिलेंगे माँ का घर देखिए कितना सुंदर तो लेकिन आपको फिर भी जोश नहीं आ रहा सभी को आरती का आनंद आया भगवती माता रानी उसी आनंद के जोश में आप पूरे जोर से बोला कीजिए
देखिए कल से भगवती माता रानी जी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। शास्त्री जी आपको सब कुछ बताएंगे कल की आरती में, उसके बाद डॉक्टर श्री विश्वमूर्ति जी आपको समझाएंगे क्या करें क्या ना करें। कल से आप अपनी माँ को अपने घर में बुलाएंगे, उसको सजाएंगे, उसको बिठाएंगे, उसको खिलाएंगे, उसको रिझाएंगे। ये 9 दिन जगत जननी जिस माँ के साथ आप जो आनंद के क्षण बताएंगे, जगत जननी आपकी सभी अच्छी अच्छी इच्छाएं पूरी करें। और इसमें क्या करें क्या ना करें वो सब आपको कल बताएंगे। लेकिन जब आप घर से यात्रा में चलते हैं तो जो श्राइन बोर्ड के दिशा निर्देश हैं, ताकि आपकी यात्रा सुकुशल रहे, अब जिस भावना से जिस इच्छा से मां के पास आए हैं, माता रानी आपकी झोलियां पूरी भरें, खुशियों से भरें, और आप अपने अपने घरों में जिस तरह आए थे उसी तरह पहुंचे। तो वो जो श्राइन बोर्ड के दिशा निर्देश हैं कि क्या करें क्या ना करें, कहां बैठें कहां नहीं बैठें, लेकिन पता नहीं मन ऐसा ही होता है कि जहां श्राइन बोर्ड ने लिखा है जहां पत्थर गिरने की संभावना है वहीं बैठने का मन करता है। ऐसे होता है, पता नहीं क्यों हमें ऐसा रोका गया बंधन है। लेकिन यकीन मानिए वो सिर्फ आप सबके लिए है, क्योंकि उनका तजुर्बा, उनके जो आदमी आप सबकी सेवा के लिए खड़े हैं उस जगह पत्थर आते हैं, इसलिए आप सबके लिए। और उसी दिशा निर्देश से आप चलिएगा, देखिएगा कि आपको कैसे खुशियां माता रानी आपको देती है। आप जब अपने माँ के दरबार में आप अपना घर सजाएंगे, ऐसे माता रानी जी का घर है सजा हुआ है, उसमें आपने जब माँ की यात्रा करेंगे तो जहां पर प्लास्टिक मत लाया कीजिए, आप नहीं ला रहे हैं, क्योंकि आपके इसी सहयोग से श्राइन बोर्ड आपको बार बार बोला कि नंबर 1 की पदवी पाई है उन्होंने, और ये पदवी उन्हीं के पास रहे हमेशा के लिए, ऐसी कोशिश हम सब करते रहें और आप सब भी करोगे। तो ये नवरात्रों के लिए मैं आप सबको कह रहा हूं, सिर्फ नवरात्रों में हम जो प्रण लेते हैं वो जिंदगी भर के लिए हो जाते हैं। इसलिए आप माता रानी जी के दरबार में जब आते हैं ये प्लास्टिक वगैरह मत लाया कीजिए। अगर किसी के पास कोई प्लास्टिक या कोई ऐसी वस्तु है, हर जगह पे डस्टबिन लगे हैं, उसको उठा के डस्टबिन में डाल दीजिए। आपकी सेवा के लिए श्राइन बोर्ड ने पूरे सेवादार रखे हैं, वो आपकी सेवा करते रहते हैं, लेकिन अगर आप अपनी माँ का घर साफ रखेंगे तो उसमें देखना खूब सुंदर और भवन हो जाएगा। और जब आप माता रानी जी के स्नान घाट में जाते हैं नहाते हैं, वहां गीले वस्त्र मत फेंका कीजिए, अपने साथ ले जाइए, या वहां पर जो स्थान बना गीले वस्त्र पहनने का वहां पर फेंका कीजिए। मैं इसलिए आप सबको बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि बोलने से क्या हुआ कि माता रानी जी का स्नान घाट इतना सुंदर रहा, साफ सुथरा रह रहा है, इसलिए मैं बार बार कोई मौका नहीं छोड़ता। और प्लास्टिक जब भी पहले देखो हर तरफ प्लास्टिक गिरा होता था, आप सबकी कोशिश से आहिस्ता आहिस्ता सुधार हो रहा है कि प्लास्टिक या कोई भी ऐसी गंदगी हमारे दरबार में नहीं आ रही। और आप जब दरबार में आते हैं कोई भी ऐसी वस्तु जहां आपको कोई ऐसी शिकायत है तो आप अपने अच्छे अच्छे विचारों के साथ श्राइन बोर्ड के साथ जुड़िए। ये श्राइन बोर्ड ही है कि जो आपकी सेवा के लिए 24 घंटों के लिए तैयार है। आपकी सेवा लाइनें सब दी हैं, आपके जो अच्छे विचार हैं आप दीजिए, आपको कैसा अच्छा लगता है क्या अच्छा लगता है जगत जननी माता रानी, हम कोशिश कर रहे हैं और आपको वो कोशिश जो है कैसी रही आप सबको बताना है। तो आपको अपनी नजरें चौकसी से रखनी है, कोई चीज वस्तु आपको ऐसे नजर आती है कि ये वस्तु ठीक नहीं है, आप जहां साथ में पुलिस स्टेशन है वहां पे है, उस बैग का या उस वस्तु का दिशा निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि 2 आंखों से ज्यादा इतनी बड़ी जो माता रानी जी की आंखें हैं, हम बच्चे उनकी आंखों से सुरक्षा जो है बनी रहती है। और हम तो कोई भी सुरक्षा मां की कर नहीं सकते,
जो हम सब की पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करती है उसकी रक्षा क्या करें। लेकिन उसने हमें कर्म करने के लिए दो हाथ दिए हैं, बुद्धि दी है, वो कर्म माता रानी जी के हमने यूज करने। बहुत समय हो गया, आप सबको माता रानी आपके नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में फेरा लाए, आप सबके जो जहां बैठे हैं, जो अपने घर से माँ को बुला रहे हैं, जल कर रहे हैं, जगत जननी माता रानी से यही प्रार्थना है माँ, हर एक किसी के घर में माँ अपने हर एक बच्चे के घर में आप भ्रमण करना, सबको आशीर्वाद देना, हमारे देश को आशीर्वाद देना, क्योंकि अभी अभी रिजल्ट आए हैं, कुछ बच्चों के पेपर हो रहे हैं, वो हमारा देश का भविष्य है। उसी बच्चों को माता रानी जो कहीं मतलब बुद्धि रह गए हैं उनको भी कृपा करना ताकि वो भी अपना भविष्य संभाल सके। और आप सबको इसी आशीर्वाद के साथ पूरे जोर से सभी बोलेंगे, गज के जोर से, ताकि आपका जयकारा जो है घर से बोलोगे जहां, जहां से बोलोगे घर तक, बोलो सच्चे भगवान की जय। देखिए चार्ज करना पड़ता है। बोलो सच्चे भगवान की जय। बोलो सच्चे भगवान की जय। आशीर्वाद जय माता दी।